नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, जैसा कि मेरी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे होंगे, और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक माध्यम है आप लोगों के साथ में यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट शेयर करने का। तो ऐसा बिल्कुल भी आप सोच के मत चलिएगा कि ये मेरी कोई पर्सनल एडवाइस है, या फिर आप ये सोचने लग जाएं कि हाँ इसी शेयर को परचेज करना है या इसी पे ही सारा काम करना है। देखिए यहाँ पे एक लेजिमेट न्यूज़पेपर ने यहाँ पे जो न्यूज़ है वो छापी हुई है कि जो टाटा ग्रुप की कंपनी है इस टाइम पे, जैसा कि इन्होंने में लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी टाटा पावर देश भर में विंड सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। अब आपको पता है विंड सोलर हाइब्रिड परियोजनाएं क्या होती हैं? तो बेसिकली ये कंपनियां क्या बोल रही है, जो टाटा ग्रुप है इनका, ये बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे विंड टर्बाइनों के लिए बोलियां मांग रही है, मतलब यहाँ पे बिडिंग के लिए आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड होने वाला है, और आप सभी को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में इसमें जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर होगा। तो एक अजप्शन है, एक ये चीज हो सकती है कि यदि हम इन स्टॉक्स पे, इन शेयर्स पे ज्यादा ध्यान दें तो हो सकता है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा अच्छा यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे पूरी न्यूज़ क्या है। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए अगर कोई चीज़ यहाँ पे लेजिमेट न्यूज़पेपर में आई तो डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट ही होगी, और इसीलिए मैं कोई अपने आप से ऐसे कुछ आपको बोल के नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है, ऐसे हो गई, ये खरीद लो, या ऐसे नहीं है। बिल्कुल न्यूज़ को हम समझेंगे, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका है, आप जब भी शेयर खरीदते हैं तो जो हम कई पॉइंट से डेफिनेटली लोग एनालिसिस करते हैं, अलग अलग सबके तरीके होते हैं। तो एक तरीका ये भी यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप पहले से शेयर्स के बारे में जानकारी रखते हैं, ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी रखते हैं जो भविष्य में अच्छा करेंगी, तो हो सकता है आपको उसका बेनिफिट यहाँ पर मिले। तो बेसिकली न्यूज़ यही है कि जो हमारी कंपनी है टाटा ग्रुप कंपनी, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा काम कर रही है। अब जो ये विंड सोलर हाइब्रिड परियोजनाएं हैं इनको बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो ये ग्रुप में काम कर रही है, और यहाँ पे विंड टर्बाइन जो कंपनियां बनाती हैं उनसे बिडिंग यहाँ पे मांगी गई है, बोलियां मांग रही है, और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर यहाँ पर तो किन कंपनियों को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा है वर्तमान में 1 मेगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉल करने की लागत लगभग 7 करोड़ रुपए है। बता दें कि टाटा पावर के शेयर आज बुधवार को 461 रुपए का कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर साल भर में 90% तक चढ़ गए हैं। जी हाँ, ये बात सही है। ये आप खुद अपने जो भी आप ट्रेडिंग ऐप यूज करते हैं वहां पर भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर रिटर्न की बात करें तो 5000% तक का रिटर्न जो है वो यहाँ पे दे चुका है। अब क्या है डिटेल यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ बताया दिया है कि सूत्रों ने द इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि 4 मूल उपकरण निर्माता जिनमें है सीमेंस गेमसा, सेनवेनियन इंडिया, एनविजन एनर्जी और सुजलॉन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने बोलियां लगाई हुई हैं, और ये हो सकता है इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो जब इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो मार्केट भी, इनका जो मार्केट साइज है वो भी यहाँ पे वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से मैं मानता हूं कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे शेयर्स में आप निवेश कर सकते हैं, और निवेश करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। कई मैंने ये आपको न्यूज़ के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बताने का यहाँ पे प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप निवेश करते हैं तो 1000 बार सोचिए, और सोचकर ही निवेश करिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी सुनते हैं कि बाजार जोखिमों के अधीन रहता है हमेशा।
तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। बाकी आप इन जो यहाँ पे शेयर्स न्यूज में यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको एनालिसिस कर सकते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो चीज यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे मोटे जो न्यूज हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर यहाँ पे इस चैनल पे आता रहूंगा, और आप लोगों को ऐसी जानकारी मैं यहाँ पर देता रहूंगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे लाएंगे, इस तरीके के वीडियो, ताकि आप एक पॉइंट जो है इससे भी रूबरू हो सकें, आपको इसकी भी जानकारी पूरी यहाँ पर क्या है मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को समय दिया, हमको समय दिया, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।